और आज हमें सुबह आते ही बोल दिया कि काम ही नहीं है कंपनी में, ऑन रोल वाले बंदे बुला लिए और हमें निकाल दिया गया। उल्टा सीधा बोलते हैं, लाइनों पे ही बोलते हैं, ऑन रोल बंदे हैं, जिन्हें नया लीडर बना दिया गया, उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत गंदा। लड़कियों पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, अगर गेट पास मांगे तो उनसे बोलते हैं कि चेक करवाओ जाके, तब पता चलेगा तुम्हें है पर्सनल प्रॉब्लम या नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आए दिन ठेकेदार प्रथा के चलते कामगारों को बिना नोटिस बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ताजा मामला बद्दी में स्थित माइक्रोटेक्ट उद्योग का है, जहां पर उद्योग प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए 400 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। सभी कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उद्योग के बाहर धरना दे दिया है और अपनी मांगों को लेकर उद्योग प्रबंधन को नोटिस भी दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जब कर्मचारी उद्योग में पहुंचे तो उद्योग प्रबंधन ने उनका गेट बंद कर दिया और सभी को घर जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद जब कामगारों ने इसका विरोध किया तो कंपनी प्रबंधन ने कामगारों को धमकाया और कामगारों के साथ हाथापाई भी की गई। कंपनी में काम करते हैं सर, हमें 3 साल हो गए इधर काम करते हैं सर, ये बिना रीजन के बंदों को निकाल देते हैं, मार कुटाई करते हैं और सर एचआर भी ऐसे ही करती है, जब हम इसके पास जाते हैं कुछ भी इशू लेके, लड़कियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है ये नहीं समझी, सीधा बोलती है बाहर जाओ गेट के बाहर, और सर कुछ भी बात होगी बाहर निकालेंगे तो ये बोलेंगे ठेकेदार से बात करो, और सर जब हम घर जाते हैं छुट्टी लेके जाते हैं एक एक साल बाद हमने घर जाना होता है तो ये छुट्टी भी नहीं देते हैं, तो इनका ये होता है तब बोलते हैं कि हमारे पास हो, हमारे से परमिशन क्यों नहीं लिया आपने, और सर बिना वजह की सर मार कुटाई करते हैं, सर सीधा बोलते हैं ठेकेदार के पास जाओ, और सर जब हमारी भर्ती करते हैं तो ऐसा बोला जाता है हमें कि 3 महीने के बाद आपको ऑनरोल किया जाएगा, सर झूठ बोल के सर कंपनी के अंदर लेते हैं ये। आज कितने वर्करों को जो है निकाला गया? सर 400 वर्कर है इधर अभी, ये सभी ठेकेदार के थ्रू? हाँ जी सर, सभी ठेकेदार के, बिना नोटिफिकेशन के निकाला गया है हमें, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कुछ, निकल हम काम करके गए, सुबह आए हमारा पंच बंद कर दिया ना, कल हमसे प्रोडक्शन निकलवाई गई थी, कहा था काम बहुत है प्रोडक्शन निकालो पूरी की पूरी, और आज हमें सुबह आते ही बोल दिया कि काम ही नहीं है कंपनी में, ऑन रोल वाले बंदे बुला लिए और हमें निकाल दिया गया। उल्टा सीधा बोलते हैं, लाइनों पे ही बोलते हैं, ऑन रोल बंदे हैं, जिन्हें नया लीडर बना दिया गया, उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत गंदा। लड़कियों पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, अगर गेट पास मांगे तो उनसे बोलते हैं कि चेक करवाओ जाके, तब पता चलेगा तुम्हें है पर्सनल प्रॉब्लम या नहीं है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी मेलाराम चंदेल ने कहा कि उद्योग प्रबंधन द्वारा पहले भी कामगारों को बिना नोटिस के निकाला था, जिसके बाद उनके बीच में लिखित में फैसला भी हुआ था, पर फैसले के मुताबिक आज दिन तक किसी भी कामगार को कंपनी रोल पर नहीं लिया गया। भारतीय मजदूर संघ के पास वर्कर की समस्या आई थी तो हम यहाँ पहुँच गए थे, तो इन्होंने बिना मतलब से 400 वर्कर बाहर निकाल दिया, जिसमें महिलाएं भी है, लड़की भी है, जेंट्स भी है, लड़के भी है, तो ये कहते भी परमाणु से हमारे पास दूसरी लेबर आ गई फैक्ट्री से, इन्होंने इनको निकाल दिया और यहाँ मार कटाई करते, गुंडागर्दी करते, ओवरटाइम सिंगल दे रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते, जबकि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार बोलती कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, पर ये गुंडागर्दी करते, उनके ऊपर अत्याचार करते और लड़के ऐसे ऐसी भाषा बोलते यहाँ स्टाफ वाले जो मार कुटाई भी करते साथ में, ये लड़कियों को मारते, जो काम कर रहे अंदर मड़ा जा आगे से बोल गया कि मेरा हक दे दो तो उसके ऊपर मार कुटाई करते, लेबर डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, पीएफ डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, ईएसआई डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, वो सब इन्हीं के पिट्ठू बने हुए। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। सर हिमाचल से हूँ, 4 महीने से काम कर रहा हूँ, छुट्टी कोई नहीं करता, रोज आता हूँ। क्या बात हुई? गेट को पकड़ के हम ऐसे ही हिला रहे थे, नुकसान किया, बंदे अंदर नहीं आ रहे थे, बाहर थे वो कंपनी के जो काम करते हैं उनको अंदर आने दे रहे थे, पीछे से मेरे को खींच के मारा उसने, कंपनी के रोड पे बंदा उसने मारा, मुझे नाम नहीं पता, वो उसको सर पकड़ के अंदर ले गए ऊपर, बिना बात में मारा सर, हम उठाए तो गड़ता काम भी करते हैं, 12 घंटे काम करे, 5 मिनट गेट पास नहीं छुट्टी नहीं देते, खुद चले जाते, कोई पूछता नहीं है, हमें गेट पास नहीं, 10 बंदों से साइन करवाने पड़ते हैं, एक ने साइन लिया गेट पास नहीं मिलेगा, 12 घंटे खड़े रहो काम करो, पेमेंट कम मिलती है, ओवरटाइम कम मिलता है, सब खा लेते हैं पैसे, 2 बार पहले इन पे रेड पड़ी है, तो वो बंद हुआ था, बैन हुआ था जो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।